इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते टाइम अगर आपके सामने इस तरीके से कोई इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, कुड नॉट ऐड टू टेम्पलेट, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी एरर से मैं निकलता हूँ बाहर और यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। आपको भी सेम ऐसे ही ट्रिक्स लगानी है, इंस्टाग्राम ओपन करना है एंड यहाँ पे अब आपको अपनी प्रोफाइल पर नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने थ्री लाइन दिखेंगी टॉप राइट कॉर्नर में, इन पर क्लिक करें। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आएँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, थोड़ा पेज को स्क्रॉल करें और अकाउंट प्राइवेसी पे आएँ। तो आपको सबसे पहले ध्यान करना है आपका जो अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे प्राइवेट से पब्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक करें और यहाँ पे थोड़ा पेज को स्क्रॉल और करें और आपको एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पे, अकाउंट टाइप एंड टूल्स। तो सिंपली आपको इस पर आना है एंड स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते जाना है और आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल मोड पे आपको अनेबल कर देना है। यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है आपका अकाउंट प्रोफेशनल मोड पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी सेलेक्ट होकर प्रोफेशनल कर देना। चलिए यहाँ से मैं करता हूँ बैक और उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको बिल्कुल बाहर निकलना है अपने होम पेज एंड गए जहाँ पे भी आपकी इंस्टाग्राम ऐप है उस पर एक सेकंड के लिए दबा के रखना है ऐसे। उसके बाद ऐप इन्फो आ जाएगी, ऐप इन्फो पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्टोरेज यूजेज पे आना है एंड यहाँ पे क्लियर कैच कर देना है। ध्यान रहे आपको क्लियर डाटा नहीं करना है। उसके बाद बिल्कुल बाहर निकलना है एंड गाइस यहाँ पे अब आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम लिख के सर्च करना है और अगर अपडेट आ रखा होगा तो इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे में इंस्टाग्राम अपडेट आ रखा था तो मैंने इसे अपडेट कर दिया है। उसके बाद बाहर निकलना एंड यहाँ पे अब आपको अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप मोबाइल रीस्टार्ट करके वापस इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो ये जो आपकी प्रॉब्लम थी कुड नॉट ऐड टू टेम्पलेट ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।